कटिहार में एक बार फिर बेलगाम अपराधियों ने दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने बंधन बैंक कर्मियों से लगभग 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। साथ ही लूट की इस वारदात को अंजाम देने के दौरान एक बैंक कर्मी मुकेश यादव को गोली मारकर घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य कर्मी साजन कुमार गोली लगने से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों कर्मचारी पैसे कलेक्शन कर वापस बैंक आ रहे थे। उसी वक्त पोटिया थाना क्षेत्र के अमीन चौक के पास बाइक सवार दो अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। मुझे कलेक्शन करने के लिए बांगा में उसका वो जो स्टाफ का गोली लगा है, उनका चार ग्रुप था, चार ग्रुप कलेक्शन किया है। चार ग्रुप कलेक्शन करने के बाद 12 से लगभग 1 बजे ठीक है, तो कलेक्शन करके वापस आ रहा था पैसा लेके। उसी बांगा से थोड़ा सा 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद वहाँ पे दो आदमी अनजान आदमी खड़े थे ठीक है, अचानक उन पे गोली चलाया और एक गोली उसका स्टाफ का सीने में लगा और एक गोली तो बच गया। इसके बाद वो दोनों अपराधी पैसा लेके भाग गए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। SP विकास कुमार ने कहा कि अपराधियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। लूटपाट करने के क्रम में जी बंधन कर्मी पर गोली चलाई गई है, जिसमें एक मृत्यु हो गई एक कर्मी की। और अभी तक जो प्रारंभिक तौर पर बताया गया है कि करीब करीब 1 से 1.5 लाख के रुपया। आपको बता दें कि कटिहार में अपराधियों का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है, बावजूद इसके पुलिस अपराध पर लगाम नहीं लगा पा रही। पंजाब केसरी TV के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।